तो ये देखें तड़का रेडी हो गया, ये मैं दाल में डाल दूंगी। तो तैयार है हमारी मज़ेदार दाल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ झटपट सी दाल, जल्दी से बन जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ पे मैंने ये मूंग और मसूर की दाल ले ली है, ये एक कप है, ठीक है, आधा कप मसूर की है आधा कप मूंग की है। तो ये मैं इसमें डाल दूंगी खुला पानी, ठीक है। उसमें मैंने दाल को अच्छी तरह से धो के तो इसमें डाल दिया। अब यहाँ पे ये एक तेज़पात का पत्ता मैं डाल दूंगी, ये एक इलायची, एक दो लौंग और ये एक दो दालचीनी के टुकड़े डाल दूंगी मैं। तो स्पाइसेस में मैं यहाँ पे डालूंगी 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के मैं हल्दी डाल दूंगी और 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें लाल मिर्च डाल दूंगी और 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट डाल देंगे, या सॉल्ट को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। तो ये साथ ही इसमें मैंने एक मीडियम प्याज ले लिया और एक छोटे साइज का टमाटर ले लिया, ये मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसकी फ्लेम ऑन करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे आधे घंटे के करीब, ठीक है। फिर आधे घंटे के बाद इसे मिक्स करेंगे और फिर 10 से 15 मिनट इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये दाल मेरी रेडी होगी, इसे मैं बाउल में निकाल लूँगी। तो अब इसका हम तड़का तैयार करेंगे। तो ये देखिए पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। यहाँ पर मैंने 10 से 12 लहसुन की जवे ली हैं, उन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया है। 2 हरी मिर्चें ली हैं, उन्हें मैंने रफली चॉप कर लिए काट लिए। और यहाँ पे 2 मैंने फ्रेश लाल मिर्च लिया है, उन्हें भी काट लिया है। और 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने जीरा लिया। तो ये सब मैं इसमें डाल दूंगी। तो बस इसे हम 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे और फिर से तड़का हमारा रेडी हो जाएगा और दाल में डाल देंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा ये धनिया डाल दूंगी और फिर तड़का तैयार हो जाएगा तो वो इसके ऊपर हम डाल देंगे, ठीक है। तो ये देखें तड़का रेडी हो गया, ये मैं दाल में डाल दूंगी। तो तैयार है हमारी मज़ेदार दाल, इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े की बनती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर डेली रेसिपी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।